आगरा टू मुंबई, पहले पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आगरा में असल में मैं पैदा हुआ था, मैंने ज़्यादा टाइम आगरा में मैं नहीं रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मेरे पिताजी एयरफोर्स में हुआ करते थे, तो उनकी पोस्टिंग थी आगरा में जब मैं पैदा हुआ था, तो वहाँ से उनकी पोस्टिंग फिर मेरे ख्याल से दिल्ली हो गई, तो हम चले गए। तो हमारा मतलब आगरा के बाद काफ़ी घूम फिर के आए, जैसे एयरफोर्स के आर्म्ड फोर्सेस के फौजी परिवारों में होता है, लोग घूमते फिरते रहते हैं, और इसके ज़रिए मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा। और जब भी मुझे कोई पूछता है कि आप कहाँ के हैं, तो मैं समस्त हिंदुस्तान का हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ और मेरी माता के साथ हम घूमते फिरते रहे, हर जगह गए, दिल्ली गए मेरे ख्याल से, उसके बाद पंजाब में बहुत रहे। तो मेरी जर्नी फिर वहाँ से क्या हुआ कि मुझे कलकत्ता भी गए, तो वहाँ से मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, क्योंकि उस ज़माने में जहाँ एयरफोर्स स्टेशन हुआ करते थे वहाँ पर स्कूल्स ठीक थे, लेकिन वो नहीं थे जो मेरे पिताजी और मेरी माँ मेरे लिए चाहते थे और मेरी बहन के लिए चाहते थे। तो उन्होंने मुझे नैनीताल में भर्ती करवा दिया एक बोर्डिंग स्कूल में, जिसका नाम है शरवुड कॉलेज नैनीताल। तो मैं वहाँ बोर्डिंग स्कूल में रहा और वहाँ ही मेरी पढ़ाई हुई, तालीम हासिल की मैंने वहाँ से। मैं 8 साल की उम्र में शरवुड में गया और वहाँ से मैं 16 साल की उम्र में पास करके, ISC पास करके बाहर आया। तो और फिर वहाँ से हम लखनऊ में भी रहते थे बंटवारे के बाद, मेरा जो परिवार है वो सिंध का है, तो बंटवारे के बाद मेरे माता की जो परिवार है वो लखनऊ में आके रहे, और मेरे पिताजी तो एयरफोर्स में थे, तो उनका घूमना फिरना रहा, तो हम लखनऊ में बहुत रहते थे। हमारे जो कज़न्स हैं, मेरी मासी, मेरे मामा जो थे, वो सब लखनऊ में बस गए हैदराबाद सिंध के बाद। तो हमारा लखनऊ में घर था, लखनऊ में अभी भी है हमारा घर, मेरे कज़न अभी भी रहते हैं लखनऊ में। तो और स्कूलिंग मेरी हुई नैनीताल में, फिर मेरे पिताजी को बॉम्बे में उनको फ्लाइंग का काम मिला, तो हम बॉम्बे आ गए उनके साथ। तो मैं बॉम्बे अपने माता पिता के साथ आया, ख़ास एक्टर बनने के लिए नहीं आया मैं बॉम्बे, लेकिन वही मेरी जर्नी है, आगरा से यहाँ पहुँच गए। असल में उनको क्या था कि ऐसे सरप्राइज़ नहीं आया, कि उसके पहले मैं थिएटर भी कर रहा था, और जब वो स्कूल में आते थे, स्कूल में भी मैं स्टेज पे हमेशा होता था, कुछ ना कुछ, मैं कभी ऑडियंस पे नहीं बैठता। कॉन्सर्ट होते थे स्टेज पे, या ड्रामा होते थे, या कुछ फंक्शन होते थे, तो मैं हमेशा स्टेज पे हुआ करता था। तो जब मेरे पिताजी और या मेरी माँ जब स्कूल में हमारे फाउंडर्स डे, हमारे मेन डे के लिए आती थी, तो उनको तभी से दिख गया कि मैं मतलब स्टेज पे ही, मतलब मेरा, मैं स्टेज पे ही रहता हूँ। फिर मैं बॉम्बे आया तो थिएटर में काम किया मैंने, काफ़ी शोज़ किए, और वहीं से श्याम जी ने मुझे, बेनिगल साहब ने मुझे बुलाया एक म्यूज़िकल प्ले से। तो जब ट्रांजिशन ऐसा था कि मैंने अनाउंस नहीं किया कि आज मैं एक्टर बनने वाला हूँ, मुझे एक प्ले से श्याम बेनिगल साहब ने अंकुर के लिए बुलाया, उन्होंने मुझे स्टेज पर देखा और मुझसे कहा कि आप फिल्मों में, मेरे पास आपके लिए ये भी नहीं पूछा कि आप फिल्मों में काम करोगे, इसे दलीप अगर तुम बाल कटवाओगे, क्योंकि उस शो में हमारे बाल सब लंबे थे, मेरे पास एक बहुत अच्छा रोल है तुम्हारे लिए अंकुर में, तुम हैदराबाद आ जाओ, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। हो गया, मैं फिल्मों में आ गया। तो मतलब कुछ ऐसा भी नहीं था कि मैंने केवल अपनी माँ से कहा कि मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, मुझे एक फिल्म मिली है। तो उनने पूछा कौन सी फिल्म, मैंने कहा मैं एक श्याम बेनिगल साहब की, श्याम बेनिगल साहब को कोई मतलब की पहली फिल्म थी। तो उनने कहा जा बेटा, काम अच्छा करो भाई, आशीर्वाद है, जाओ करो जो करना है, दैट्स इट। तो मेरा ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं था। हाँ, उसके बाद मुझे काफ़ी गैप रहा, जब तक उसके बाद जब मैंने कमर्शियल सिनेमा में शान में आया, उसके 6-7 साल का गैप था, हाँ नहीं ज़्यादा, 8 साल का गैप था। उस 8 साल में मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता था, और मेरी नौकरी थी लिंटास एडवर्टाइजिंग में, बहुत बड़ी कंपनी है ये वो, मैं एग्जीक्यूटिव था, मैं खुद अपने एड फिल्म्स भी बना रहा था उस समय। तो वो सब छोड़ के जब मैं शान में गया, तब मेरे पिताजी ने मुझे थोड़ा सा कहा कि तुम ये नौकरी, जो इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हारी नौकरी है, तुम इसको छोड़ के कैसे जा रहे हो? तो लगा होगा कि यार ये एक्टर वैक्टर बनेगा तो इसको मतलब इसकी खाना कौन खिलाएगा, उसको मुझे ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
पर उन्होंने कहा क्योंकि इस्टेब्लिश जॉब था, और देखो मेरे पिताजी एयरफोर्स पायलट थे, तो वो एक ऐसे मतलब उनका बैकग्राउंड जो है वो है कि हर महीने की पहली तारीख पे तनख्वाह आता है, उसमें एक सिक्योरिटी है। उस ज़माने में नौकरियां ही होती थी, मतलब आप एक्टर्स और सिंगर्स एंड ऑल को कहाँ कुछ कमाई होती, सब मतलब बहुत बहुत कठिन होता था उस टाइम पे। तो उनको वो था कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उतना ही कहा उन्होंने कहा ये नौकरी मत छोड़ो। तो मैंने समझा दिया, मैंने कहा रोज़ मेरी शूटिंग होती है, मैं या तो मैं नौकरी करूँ, असल में उस टाइम मैं अपने फिल्म्स बना रहा था। उन्होंने कहा तो ये भी करो, मैंने कहा दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि शूटिंग होती थी मतलब तीन तीन महीने हमारे फिल्म सिटी में होते थे हम शान के लिए, तो रोज़ शूटिंग पे बुलाया जाता था। तो वो मतलब चॉइस था, जैसे कहते क्रॉस रोड्स, कि या तो आप एक्टर बनो या तो आप मतलब ये जो एडवर्टाइजिंग फिल्म्स हैं वो बनाओ। तो मैंने एक्टिंग चूज़ किया।